आइए हास्य व्यंग से, हमारे यहाँ एक कहावत है राजस्थान में विशेष रूप से कि जीवन शुरू करो तो मीठा से करो, तो हास्य व्यंग वो मिठास है और उस मिठास की शुरुआत आप ही की इस धरती से, आप ही के आंगन की तुलसी भाई गौरव पालीवाल, और जोरदार तालियां हर कवि को आप तालियां जरूर अवश्य देते। आओ भाई कोई अपना क्या दोष। निकुंज नायक प्रभु श्री गिरिराज धरण की इस पावन पुनित धरती को प्रणाम करता हूँ। मेरा मन है कुछ हास्य सुनाऊं, लेकिन जिस छंद ने मुझे पहचान दी, जिस छंद की वजह से मैं कांकरोली नाथद्वारा के बाहर जा पाया, मैं मेरे प्रभु श्रीनाथ जी की वंदना करना चाहता हूँ। अगर आप प्रभु श्रीनाथ जी की वंदना सुनना चाहते हैं तो एक बार समूचा मंच और श्रोता एक बार मुझे ताली बजाकर आदेशित कर दीजिए। आप क्या है श्रीनाथ जी? श्रीनाथ जी के नित्य दर्शन करने कौन कौन जाता है, एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बताइए। तो आपको भली वो अभी ब्रज में विराज रहे हैं, लेकिन आपको उनकी छवि दिखाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। क्या है श्रीनाथ जी? जगदीश अंकल, हेमंत भैया सुनिएगा। के रसिक रसान वारो, कीर्तन गान वारो, रस रंग में सुजान कान कान वारो है। के रसिक रसान वारो, कीर्तन गान वारो, रस रंग में सुजान कान कान कारो है। रे बांसुरी बजाने वारो, लूटी दही खाने वारो, गाय गोप घोपी ब्रज वासिन सहारो है। और चौसठ कलान वारो, देश को पिछान वारो, ब्रज सो बसायो काकरोली नाथ द्वारो है। रे कहे सब कारो प्यारो, साथ ध्वजा वारो श्याम, कहे सब कारो प्यारो, साथ ध्वजा वारो श्याम, ऊंची भुजा ठाड़ो जय श्रीनाथ जू हमारो है। ऊंची भुजा ठाड़ो जय श्रीनाथ जू हमारो है। परेश भैया पधारे बिराजे। और अगला छंद जिसमें आपको पूरा नाथद्वारा मिलेगा, सुनिएगा आनंद लीजिएगा। स्वागत। के बह जय बनास जमुना जो वास, लाल बाग सुमन सुवास, ऋतु राज सो पसारो है। बह जय बनास जमुना जो वास, लाल बाग सुमन सुवास, ऋतु राज सो पसारो है। रे गिरिराज गिरी बरो मंगरो करील कुंज, छाई अमराई कच्छ वही बाग न्यारो है। और गयन के खीर खीर कत ब्रज वासी ग्वार, स्वर्ग सो प्यारो ब्रज धाम नाथ द्वारो है। रे केलुन की छान वारो, रे केलुन की छान वारो, साथ ध्वजा वारो श्याम, मंद मुस्कान जय श्रीनाथ जू हमारो है। मंद मुस्कान जय श्रीनाथ जू हमारो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो श्रीनाथ जी के दर्शन आपको करा दिए, लेकिन जहां मैं रहता हूं मेरा मित्र एक है, चार हाथ वाला द्वारकाधीश प्रभु। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार ताली बजाइए, मैं आपको द्वारकाधीश के भी छंद सुनाना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। क्या है द्वारकाधीश? सुनिएगा आनंद लीजिएगा। कि नाई हम चाकर है राज राजेश्वर हु के, नाई हम चाकर कुबेर धनवारे के। रे नाई हम चाकर है योगी जोगी जतिन के, नाई हम चाकर है काल बलवारे के। रे नाई हम चाकर है इंद्र इंद्रासन हु के, रे नाई हम चाकर है स्वर्ग लोक द्वारे के। रे शंख चक्र गदा पद्म धारी जे सहाय करे, हम तो चाकर है वा चार हाथ वारे के। शंख चक्र गदा पद्म धारी जे सहाय करे, हम तो चाकर है वा चार हाथ वारे के। और अगला छंद सुनेगा मेरे ठाकुर, मेरे कान्हा, मेरे मित्र की लीलाओं का वर्णन। कि देखे यमुना के तट कबहू बजाते बंशी, धेनु को चराते देखे संग गोप ग्वारे के। रे देखे कभी गोपी नकी चीर को चुराते, कभी कभी देखे ठाड़े गोपी घर पिछवारे के। और देखे भात भरते अंजार माही सेठ बनी, देखे कभी बनते भिखारी बलि द्वारी के। रे ध्रुव प्रहलाद मीरा गौरव उबारे जाने, हम तो चाकर है वा चार हाथ वारे के। प्रहलाद मीरा गौरव उबारे जाने, हम तो चाकर है वा चार हाथ वारे के। माइक वाले भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, मेरा गला खींच रहा है, ये प्राण ना पियो हमारे। एक बार माइक वाले के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप। मैं कुछ दोहे सुनाता हूँ, फिर अपने रंग में आता हूँ, सुनिएगा। एक राधा एक राधा एक सांवरे, आपका आपका वाला बिल्कुल सुनना, श्री राधे, बिल्कुल श्री राधे। के एक राधा एक सांवरे, अलग अलग दोना,
पर तन मन से एक है। जय जय राधे श्याम, पर तन मन से एक है। जय जय राधे श्याम। और जब उसकी चौखट पे जाते हैं श्रीनाथ जी की चौखट पे, तो मैं क्या कहता हूं कि ना धन दौलत चाहिए, ना धन दौलत चाहिए, ना हीरो की खान। श्री जी चरण की रज मिले, हे जाऊं धनवान। श्री जी चरण की रज मिले, हो जाऊं धनवान। और बदला समय का चक्र ये, बदला समय का चक्र ये, बदली इसकी चाल। राम विराजे मंदिर, अब हटा दिया तिरपाल। राम विराजे मंदिर अब, और हटा दिया तिरपाल। एक आखिरी दुआ सुनना। मन में पागल प्रेम में, प्रीतम मेरा श्याम। सांझ सवेरे मैं जपूं सांवरिया को नाम, सांझ सवेरे मैं जपूं सांवरिया को नाम। अगर आपको दोहे और छंद पसंद आए तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैं अपनी असली औकात में आता। आ जाइए भैया, आ जाइए। देखो प्रेम की बातें करी, हम भी नौजवान, कुछ नौजवान यहाँ भी विराजमान और भूतपूर्व नौजवान विराजमान है, उसको भी, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। देखो प्यार सबको होता है, मुझे भी हुआ, बिल्कुल मुझे भी हुआ, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल जी, उम्र की। सुनिएगा, जब मुझे पहली बार प्यार हुआ, तो मैंने एक गौरव कितनी बार हुआ उसके बाद सुनना, आपके पास समझ में आ जाएगा। जब मुझे पहली बार प्यार हुआ, तो मैंने एक लड़की को गुलाब का फूल दिया, और सुनना क्या हरकत हुई मेरे साथ। कि पहली बार हुआ प्यार, मन में बजा गिटार, प्रेम की तरंग मेरे अंग डोलने लगी। पहली बार हुआ प्यार, मन में बजा गिटार, प्रेम की तरंग मेरे अंग डोलने लगी। हृदय का शंख बजा, सात सुर संग सजा, कर दे तू पर पोज चित्त डोलने लगी। और जैसे दिया मैंने फूल, बोली ना करू कबूल, जैसे दिया मैंने फूल, बोली ना करू कबूल, निकल के सेंडिले वो सर फोड़ने लगी। और हुई खूब माता फोड़ी, करी मैंने हाथा जोड़ी, फिर वो लड़की मुझे भाई बोलने लगी। हुई खूब माता फोड़ी, करी मैंने हाथा जोड़ी, फिर वो लड़की मुझे भाई बोलने लगी। और मेरा निवेदन है आदरणीय प्रमोद जी सनाटी, हम सबके साहित्यकारों के भीष्म पितामह है, आपसे निवेदन है कि आप आगे बढ़ाए। निवेदन है, मंच का निवेदन है, आप आगे बढ़ा रहे। स्वागत करें एक बार ताली बजाकर प्रमोद जी सनाटे का आप सभी। सुनो प्रमोद जी, भाई साहब ऊपर ही आ जाए तो हम सब कवियों का भी सामिप्य होगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल बधाने भाई साहब, आज तो ऊपर ही बधाने। जोरदार तालियां प्रमोद, जोरदार ताली बजाएं एक बार प्रमोद जी भाई साहब के लिए। सुनो, मैंने कहा ना, जब मुझे पहली बार प्यार हुआ, भाई साहब एक बार ऊपर आओ, आप आओगे तो मैं अच्छा सुना पाऊंगा। आ जाओ एक बार भाई साहब को एक बार ताली बजा दी एक बार और भाई साहब के लिए। शुरू बिल्कुल। जब मुझे पहली बार प्यार हुआ, आपको हरकत पता पड़ गई। जब मुझे दूसरी बार पहला प्यार हुआ, हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, जब दूसरी बार मुझे पहला प्यार हुआ, तब क्या हुआ? मैंने कहा ये पट्टी गुलाब के फूल से नहीं मान रही, मैंने कमल का फूल टिकाया। सुनना, सब पता है, कमल ही जरूर है। सुनना और आनंद लेना कि कमल का फूल देके लड़की से बोला लड़का, आज का ये दिन तो पवित्र है, महान है, और 16वां ये साल हो मुबारक है तुम्हें प्रिय, तुमसे ही जग में प्रकाश विद्यमान है। और लड़की ने कस के जो जड़ा एक थप्पड़, तो लड़के का गिर गया सारा तापमान है। कि बोली तूने भाजपा का चिन्ह मुझको दिया था, मैंने जो दिया वो कांग्रेस का निशान है, मैंने जो दिया वो कांग्रेस का निशान है। लेकिन तो भी नहीं पड़ी, लेकिन उसके बाद अपन हिंदुस्तान के युवा, मेवाड़ के युवा और नाथद्वारा के युवा कभी मान सकते हैं क्या? आपको पता है कुछ दिनों पहले सीमा हैदर आ गई दिल्ली में, दीपक भैया,
उसको चैलेंज दिया, सुनना, कि दुनिया ने प्यार पर लाख पहरे बिठाए, पल बोलो प्यार कभी इनसे युवारा है। दुनिया ने प्यार पर लाख पहरे बिठाए, पर बोलो प्यार कभी इनसे युहारा है। बेड़ियों को तोड़ाया, अपनों को छोड़ाया, एक दूसरे का प्यार बना ही सहारा है। और कैसा भी हो वेदर, रहेंगे सदा टुगेदर, सुन सीमा हैदर, बड़ा दिल हमारा है। और तेरी कोई बहना जो आना चाहे भारत, तो फिक्र छोड़ देना, भी गौरव कुवारा है। तेरी कोई बहना जो आना चाहे भारत, तो फिक्र छोड़ देना, भी गौरव कुवारा है। और एक अंतिम पेरोडी सुनाकर अपना स्थान लेना चाहता हूँ। स्वागत दीपक भैया दिल्ली से आए, दिल्ली का एक खतरनाक व्यक्ति इन दिनों कारागार में। वो जैसे ही दिल्ली की जेल में प्रवेश किए, तब वहां के जो कीर्तन है, वहां के जो कैदी है, वो कीर्तन करने लग गए। सुनना और आनंद लेना, मैं नाम नहीं लूंगा, आचार संहिता है, बिल्कुल ध्यान रखना। सुनना, ये चमक ये दमक जेल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हारी से है। ये चमक जेल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हारी से है। तेरा बिगड़ा जो मन किया ऐसा गबन, एक वन पे बहार तुम्हें से है। सब कुछ सरकार तुम्हें से है, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है।